सो एक सक्सेसफुल इवेंट के बाद हम लोग अब रवाना हो रहे हैं यहाँ से लगमा से एयरपोर्ट के लिए दरभंगा, और हमारे साथ कोई और नहीं बल्कि खुद सीता माता हैं जिन्होंने काफी एंजॉय किया कल। मैम कैसा रहा ये पूरा एक्सपीरियंस आपका कल का, अगर हम बात करें तो? सच अ डिवाइन एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए, क्योंकि लोग बहुत प्यार करते हैं सीता जी को, लेकिन सीता जी क्योंकि मिथिला की हैं और मैं मिथिला में हूँ तो उनको ये लगता है कि मैं उनके फैमिली की पार्ट हूँ। तो जब मुझे मिले, फर्स्ट टाइम सबके साथ मेरी मुलाकात हुई, तो जब मिले हम लोग और जब मैं विदाई हो रही थी मेरी, तो वो लोग रो रहे थे, मिलने पे भी रो रहे थे और जाने पे भी रो रहे थे, क्योंकि उनको लगा कि उनके घर के परिवार की बेटी आई है और अब वो वापस जा रही है। आई कैन नॉट एक्सप्रेस टू यू जो इमोशंस एंड जो मुझे फील हुआ है कल, एंड बहुत बहुत सुंदर रहा। सुरेश जी और बीना जी के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें मैम? सुरेश जी बीना जी इतने अच्छे सरल लोग हैं, एंड बीना जी इतने प्यार से मेरी विदाई कर रही थी जैसे वो मुझे बरसों से जानती हैं, और मैं साक्षात उनकी बहन हूँ, सीता बहन हूँ, सीता सखी हूँ, एंड उतने प्यार से इतना सब सम्मान उन्होंने याद कर करके मुझे दिया, जैसे सिंदूर दिया, चूड़ी दी, हाथ दिया, साड़ी ब्लाउज पीस पेटीकोट के साथ, मतलब इतनी याद करके, जैसे हम बेटी को विदाई करते हैं हम लोग कैसे ध्यान रखते हैं ये सब छोटी छोटी चीजों का। राम जी के लिए क्योंकि वो जवाई हैं, उनके लिए भी एक पोटली दी थी, इनफैक्ट किसी ने वो राम जी की पोटली मेरे हाथ में डाल दी, तो बोला नहीं नहीं ये तो जवाई की है, राम जी की है, आप उनको दे दीजिए। तो मतलब इतना प्यार, मुझे लगता है रामायण के सेट में जो माहौल था और कल जो मैंने एक्सपीरियंस किया, मैंने आई डोंट थिंक उसमें कोई डिफरेंस होगा, क्योंकि मुझे साक्षात्कार ये फील हो रहा था कि जी हाँ मैं सीता हूँ, मतलब बहुत प्यार दिया है। एंड यही है हमारी संस्कृति कि हमारे रोम रोम में राम है, बहुत सुंदर लगा, बहुत सुंदर बिल्कुल। और ये एक्सपीरियंस वाकई बहुत ही लाजवाब एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं खुद कैप्चर कर रहा था उस मोमेंट को, और जहाँ पर इमोशनल होते हुए मैंने देखा खुद दीपिका जी को भी, वीना जी को, वीना जी जिन्होंने इनको इनवाइट किया था यहाँ पर, वाकई ऐसा एक्सपीरियंस कभी कभी लाइफ में आता है, बट ये बहुत अच्छा था। और आगे भी इसी तरीके से जो है मैम को हम लोग ले जाते रहेंगे, इनवाइट करते रहेंगे। मैम थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू वेरी मच, इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, डिवाइन एक्सपीरियंस इज द राइट वर्ड। जी थैंक यू सो मच। तो हमारा काफिला आप देख सकते हैं पीछे, स्कॉट वैन चल रही है और हमारा काफिला अब एयरपोर्ट के लिए जा रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जय सियाराम।